नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी पर निर्भर पर। तो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बाबा रामदेव ने जो कोरोना से संबंधित दवाएं निकाला था, तो उस पर जो है बाबा रामदेव पर जो है राजस्थान सरकार ने केस दर्ज करा दिया है। तो जो कोरोनिल दवाई निकाला था उन पर केस दर्ज किया गया है। तो चलिए हम खबरों को पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। द्वारा तो जो कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव पर जो राजस्थान सरकार केस दर्ज कराएगी। तो सरकार का कहना है कि बाबा रामदेव ने जो है बिना परमिशन ट्रायल किया है, तो यह फ्रॉड है न कि ट्रायल है। तो पतंजलि के जो है दावे के बाद जो है हरकत में आई सरकार, तो कहा कि बिना परमिशन जो है किया गया है ट्रायल। तो जो राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के कोरोना की दवा कोरोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड करार दिया है। तो राजस्थान सरकार के जो है स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का जो कहना है कि महामारी के समय बाबा रामदेव ने इस तरह से कोरोना की दवा बेचने की कोशिश की है, जो अच्छी बात नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आयुष मंत्रालय के गजट जो है नोटिफिकेशन के अनुसार बाबा रामदेव को ICMR और राजस्थान से किसी भी कोरोना की आयुर्वेद दवा की ट्रायल के लिए जो है परमिशन लेनी चाहिए थी, मगर बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया गया है, जो कि गलत है। रघु शर्मा ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमारे एक डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है, उस मुकदमे के तहत भी कार्रवाई करवाएंगे। तो उधर जो है नेम्स विश्वविद्यालय में गुना कैंट को लेकर जाने वाले जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मैं वहां पर जो है इंचार्ज था और वहां पर किसी तरह की कोई दवा के ट्रायल के लिए हमसे इजाज़त नहीं ली गई है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हमने कोई ट्रायल होते हुए भी नहीं देखा है। वहां पर जितने भी मरीज हमने भर्ती कराए थे वह बिना लक्षण वाले थे, किसी में बुखार खांसी या गले की खराश नहीं थी। ऐसे सभी मरीज 7 से जो है 10 दिन में ठीक हुए हैं और दूसरी जगह पर ऐसे बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा था, वही भी इतने ही दिन में ठीक हुए हैं। तो दरअसल पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आयुष मंत्रालय को बताया गया है कि क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च NIMS में किया गया था। दावा किया गया है कि उन्होंने हर नियम का पालन किया है, साथ ही आयुर्वेदिक साइंस सेंट्रल काउंसिल के DP को लूप में रखा था। कोरोनिल पर जो है सवाल उठने के बाद जो है आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की ओर से जो रिसर्च पर पेपर पर दाखिल किया गया है उसके अनुसार जो कोरोनिल का क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण काफी कम थे। इन मरीजों की उम्र 15 से 80 साल के बीच थी। तो अब NIMS में ट्रायल की बात सामने आने के बाद तो राजस्थान सरकार में हरकत में आ गई है। तो उसका कहना है कि पतंजलि ने जो कोई परमिशन नहीं दी थी। तो सरकार का दावा है कि NIMS में किसी भी मरीज की जो है रिपोर्ट 3 दिन में नहीं आती है और जिन मरीजों का ट्रायल किया गया है तो उनमें भी जो है कोरोना के लक्षण बहुत ही कम थे। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्तों पसंद आएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।